देश भर में एक ओर जहां गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, तो वहीं केरल में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ ने संयुक्त रूप से मीट बेचने के लिए सहकारी समिति शुरू की है। बता दें कि मलयाली दैनिक समाचार पत्र देशाभिमानी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के जिला अध्यक्ष ए नागेश, सचिव टी एस उल्लास बाबू और बीएमएस जिले के सचिव पी वी सुब्रमण्यम ने इस सहकारी समिति का गठन किया है। ये सोसाइटी मांस और मछली के उपचार और व्यापार के क्षेत्र में काम करेगी। सोसाइटी ने शहर के केंद्र में त्रिवदित मंदिर के पास काम शुरू कर दिया है। सहकारी समिति के पेटी मांस के लिए पशुओं के पोषण के महत्व पर बल देते हैं। सहकारी समिति के तौर पर खोली गई इस दुकान पर थोक में गौमांस मिलेगा। इसके साथ ही जल्द ही ऑनलाइन खरीदारी के लिए सोसाइटी एक मोबाइल स्टोर भी शुरू करेगी। इसके अलावा शीत भंडारण सुविधा शुरू करने के लिए योजना बना रही है। दोनों नेताओं के साथ एक होटल खोलने की योजना भी है, जिसमें गौमांस से जुड़ी और अन्य डिश परोसी जाएंगी। इस खबर पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि काओ मम्मी केरल में जाकर यम्मी हो गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध बूचड़खाने बंद कराए गए, जिसके बाद कई सैकड़ों लोगों के रोजगार बंद हो गए थे। तो वहीं गौरक्षा के नाम पर भगवा गमछा डालकर कुछ लोगों को पीट रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब बीजेपी और आरएसएस ही संयुक्त रूप से मीट बेचना चाहती है, तो लोगों में गौरक्षा का डर क्यों पैदा किया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।